नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं सहारनपुर की खबरों की ओर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार द्वारा इनकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया। पंचायत कर्मियों पर प्रशासन ने सख्ती दिखाते पंचायत कर्मियों पर एवं उनके पदाधिकारियों पर FIR दर्ज करवा ली है। धारा 360, 270, 188, 151 का मामला दर्ज किया गया है। कलेक्टर द्वारा पंचायत कर्मियों को हड़ताल समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद अली, पूर्व विधायक कृष्ण मोहन मालवीय, पूर्व जनपद अध्यक्ष घनश्याम पाटीदार, उड़ानखेड़ी ब्लॉक अध्यक्ष एवं कांग्रेस के कई नेता धरना स्थल पर पहुंचकर पंचायत कर्मियों के साथ धरने पर बैठ गए और सरकार से कांग्रेस मांग करती है कि इनकी मांगे मानी जाए और उन पर लगाए गए मुकदमे वापस लिए जाए। आज आप इन कई दिनों से हड़ताल चल रही है, कांग्रेस ने समर्थन दिया है, इन लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है, क्या कहेंगे? जनपद पंचायत परिसर में पिछले 12 दिन से बैठे हुए पंचायत कर्मियों की आज इस गूंगी बहरी सरकार के द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। यह पंचायत कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर काफ़ी समय से सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन जनप्रतिनिधियों द्वारा, ना मुख्यमंत्री के द्वारा, ना मंत्री के द्वारा, ना किसी अधिकारी के द्वारा इनकी कोई सुध ली गई है। कांग्रेस पार्टी इन पंचायत कर्मियों की सभी मांगों का समर्थन करती है और सरकार से मांग करती है कि इनकी मांगों को शीघ्र शीघ्र माना जावे। और हमें जानकारी मिली है कि सरकार के द्वारा इनकी मांगें ना मानकर इनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। कांग्रेस पार्टी इसकी भी निंदा करती है एवं इनके साथ हम हर कदम पर आंदोलन के लिए खड़ी रहेगी और इनके हर मांग का समर्थन करती रहेगी। क्या कांग्रेस इनकी FIR को लेकर आगे कोई रणनीति बना रही है? निश्चित रूप से, जैसा मैंने अभी कहा कि जिस प्रकार से एक दमनकारी नीति के तहत भाजपा की सरकार इन पंचायत कर्मियों की मांगों का लेकर जो अपना आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा इनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करते हुए इनके साथ जब भी आंदोलन होगा साथ खड़ी रहेगी। देखिए, अभी की स्थिति में जो इनकी हड़ताल है उसके संबंध में कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए और धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें कि हमारे द्वारा FIR भी दर्ज कराई गई है। लगातार बहुत सारी शिकायतें पंचायतों से प्राप्त हो रही हैं, पंचायतों में गड़बड़ियां चल रही हैं और भ्रष्टाचार चल रहा है, तो इसमें हम लोगों ने कई सारी जांचें की हैं, जिसमें कि एक ग्राम रोजगार सहायक की कल सेवा समाप्त की गई और उसके ऊपर FIR भी कराई जा रही है। इसके अलावा करीब 15 सचिव, GRS, सब इंजीनियर हैं जिनकी शिकायतों की जांच लगभग एंड स्तर तक पहुंच गई है और उसमें भी बहुत जल्दी हम लोग सेवा समाप्ति की कार्रवाई करेंगे। तो हमारा उद्देश्य यही है कि पंचायतों में जो गड़बड़ियां हुई हैं वो गड़बड़ियों के लिए जो भी जिम्मेदार हैं उनको दंड मिले। सर, हड़ताल पर चले गए हैं।